तो क्या पूछे, चलो पूछते हैं थोड़ा बहुत। ये डिजीज के बारे में याद किया है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आता है। ये चारों जो डिजीज है, किया है याद? चलो अब तो तुमको लगाना है, अब तुम जानती हो याद की हो कि नहीं। मैम की अच्छा बताओ, स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या रोल था? स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और क्लोरोमेफेनिको का क्या था? मैम, आपने बताया था कि वो मतलब जो मतलब माइकोप्लाज्मा होता है क्या वो बताया था? मतलब मैं कब सेंसिटिव टू, मतलब ये मतलब इसमें सेंसिटिव नहीं होते हैं। मैम होता क्या है, क्या होता है पेंसिलिन देने पे और स्ट्रेप्टोमाइसिन देने पे? पेंसिलिन ना एंटीबायोटिक इनहिबिट करते हैं सेल वॉल को, मतलब उसके सिंथेसिस को माइकोप्लाज्मा के, लेकिन उसकी जगह स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या और ये क्लोरो क्योंकि वो सेल वॉल को मारता है ना, इनहिबिट करता है, और ये एक इनहिबिटर स्ट्रेप्टोमाइसिन ये मेटाबॉलिक को इनहिबिटर करता है। यस मैम, है ना? चलो ठीक यस है, मैम। और देखते हैं। अच्छा ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में, ये तो तुमको पता ही होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये मिसोसोम और लेमिनलोसोम, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, मालूम है ना? माइंड यस मैम, में रखना, कुछ कुछ पढ़ने से खुद समझ में आ जाता होगा कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं, है ना? यस मैम। बाकी ये सब इसका जो रिप्रोडक्शन है, बाइनरी, फ्रेगमेंटेशन, हेटरोसिस्ट, एनिकेट, ये पता है ना, ये हेटरोसिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ यस मैम, चलो ठीक है, फिर देखते हैं, सब रिवाइज करते रहना, ये नहीं कि जो सिर्फ कल पढ़ाया सिर्फ वही रिवाइज करना है, समझ रही हो? स्टार्टिंग से रिवाइज एक बार देखो, एक बार रिवाइज करोगे थोड़ा ज्यादा लगेगा, दो बार करोगे थोड़ा कम लगेगा, तीसरी बार करोगे और उससे कम लगेगा, करते रहना। ऐसा नहीं कि ये तो पढ़ चुके हैं, अभी ये छोड़ो, जान दो, 1 वीक बाद ये या 1 मंथ बाद देखेंगे तो फिर सब नया नया लगेगा, समझी? यस मैम, देखो तो माई से क्या था, माई से तुम्हारा था, साइकोप्लाज्म। हाँ वो तुम्हारे ऊपर है, अगर ट्रिक लिखना चाहते हो तो लिखना, नहीं तो ऐसा तुमको जैसे याद रखना, ठीक है? तो जोकर से क्या था? जोक्रोफ प्लांट की जोकर ऑफ प्लांट्स किंगडम क्यों बोलते हैं? मैम, क्योंकि वो मतलब क्या चेंज क्योंकि वो अपना शेप क्विकली चेंज कर लेते करता था? रहती हाँ है। कोट ऑफ बैक्टीरिया, और इसका क्या था, फ्राइड एग का कलोनीज बनाता है, ठीक है? और यस किंगडम मैम, से, पी से क्या हो जाएगा तुम्हारा? हो जाएगा ना PPLO या MLO, बोलते हैं ना, ये माइंड में रखना, यस ये तो हम जानते हैं, ये नहीं माइंड में रखना, लेकिन रखना इसको, ठीक है? आता है, हेटेड से क्या हो जाएगा, हेटेड ही से हेट्रो ट्रॉफी, ठीक है, यस जो कि तुम लोग हो है ना, मैम, मम्मी तुम्हारी ऑटो ट्रॉफी है, ऐसे क्या हो जाएगा, स्टेरॉल्स, ठीक है? ऐसे स्टेरॉल्स स्टेबलाइजर, बताया था ना मैंने, स्टेरॉल का यस क्या मैम, रोल था, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना बेटा,
थोड़ी ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्क्रीन ऊपर, हाँ अच्छा हम स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। यस मैम। हो यस मैम, हो गया। गया। ऐप से ई से क्या होगा? जो मैंने रिप्रोडक्शन बताया था ना, ई से कोई रिप्रोडक्शन बताया था? एलिमेंट्री बॉडीज। और सी से सेल वॉल क्या था? यस मैम, एब्सेंट। ऐसे यस ऐसे क्या होगा? एफ ऐसे क्या हो जाएगा? फैकल्टेटिव एनएरोबिक। ठीक है, देखो ओके। फैकल्टेटिव एनएरोबिक मतलब समझ रही हो ना कि एक तो वो एरोबिक है ही है, लेकिन वो एनएरोबिक में भी जिंदा मतलब रहते। ऑक्सीजन ना रहने पर भी बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। एक हम लोग लिखते हैं ऑब्लिगेट लिखते हैं ना, यस मैम। ऑब्लिगेट मतलब वो सिर्फ अगर ऑक्सीजन ले रहा है, एरियोबिक है तो एरियोबिक ही रहेगा, वो एनएरियोबिक नहीं होगा, इसलिए ऑब्लिगेट एरियोबिक लिखते हैं। ठीक है, समझ रही हो? यस मैम। कई जगह लिखवाया होगा मैंने, ऑब्लिगेट लिखवाया होगा। तो ऑब्लिगेट मतलब कि वो सिर्फ अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वो मतलब जिंदा है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही, उसको अगर एनएरोबिक होगा तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं, उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? यस मैम। अब इसका लिखो, एक और लिख लो, एक्टिनोमाइसिटीज होता है, जिस तरह मैंने ये सब बताया है ना, क्या ये क्लेमाइडिया, ये रिकेटसिया, हाँ क्लेमाइडिया रिकेटसिया, और क्या ये माइकोप्लाज्म, ये सब है ना इसके बारे में। उसी तरह आप एक और एड डालो, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब आपको उसी में आएगा। ठीक है, यस मैम। एक और एड डालो, एक्टिनो माइसिटीज, ये इसी को बोलते हैं फिलामेंटस बैक्टीरिया। ओके, तो ये होता है बेटा, ये आपका देखो, ये आपका हो जाएगा प्रीवियसली प्लेस्ड अंडर, इसके अंडर में आता, नाम कब सुना? एक्टिनोमाइसिटीज, माइसिटीज इसके अंडर में आता बेटा, फंगी सुना है कि नहीं? यस मैम। इसी के अंडर में आता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ब्रांच, ब्रांच जो होते हैं फंगी होते हैं, फंगी लाइक फिलामेंटस होता है। ठीक है, ओके, और यस स्ट्रक्चर जो है इसका, ये ब्रांच स्ट्रक्चर दिख लेना, इधर कैसा होता है? माइसिटियम या माइसिटीज लिख लेना। ठीक है, इसका मतलब ही होता है, तुम जहां माइसिटीज पढ़ोगे तो वहां पर तुम समझ जाओगे कि फंगी की बात हो रही है। ठीक है, फिलामेंटस यस की बात हो रही मैम। है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? माइको बैक्टीरिया या रे फंगी भी बोलते हैं। लिख दे रहा, इधर लिख लेना, ऑल्सो नोन एज क्या? माइको बैक्टीरिया, यह है बैक्टीरिया के कैटेगरी में आता है, बट बैक्टीरिया वाली क्वालिटी नहीं है, बट माइको है इसलिए इसको फंगी में वो डाल दे। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया यस मैम। या रे फंगी बोलते, देख ले हो? अब जैसे कि साइनो बैक्टीरिया है,
उसको हम बोलते ना ब्लू ग्रीन एल्गी, बट वो एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया। हाँ समझ में आया ना? यस मैम। वे फंगी इसको बोलते। चलो और लिखो एक्टिनोमाइसिटीज का रिप्रोडक्शन इसका क्या होता है? कोनिडिया होता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया। जब फंगी का स्ट्रक्चर देखोगी ना तो उसमें बना होगा कि ऐसे फिलामेंटस जैसे बना होगा और उसमें सर्कल जैसे उससे जो निकलता है वही उसको मतलब कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिख लो रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया, क्योंकि फंगी का करेक्टर है इस तरह। दूसरा है कि मोस्टली क्या होगा, ये सेप्रोफिटिक होगा। समझ रहे हो सेप्रोफिटिक मतलब? जो मैम सड़ा गला से वो करें, सड़ा गला के खाते हैं, मतलब खा के पचा के खाते हैं, ठीक है। यस हम लोग तो खा के पचाते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा कि हेटरोट्रॉपिक होगा? हेट्रो। ठीक है। और पैरासिटिक मैंने किसका बताया था? दो तरह का होता है सब, लेकिन हम मोस्ट कॉमन कौन सा लिया था? पैरासिटिक को है ना? हाँ ठीक है, क्यों जो हमारा डिजीज जो हो रहा है बेटा वो हमारे बॉडी के अंदर आके ये प्लांट हुआ या एनिमल्स उसको माइकोप्लाज्म में ज्यादातर वो पैरासिटिक वे से ही उसको डिजीज कॉज कर रही है, ठीक है। यस। और लिखो कि दे आर वो, तो अगर तुमको पीडीएफ फाइल चाहिए होगा तो तुम बता देना, मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। और वैसे वीडियो तो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, ठीक है ना, जहां जैसे कि मान लो कुछ छूट गया या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो जरूर पूछ लेना। दे आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, ओके, किसका सोर्स है? एंटीबायोटिक का सोर्स है। एग्जाम्पल तुम ले सकती हो, क्या लिखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन लिख सकते हैं ना? यस मैम। एरिथ्रोमाइसिन। हाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन लिख सकती है, एरिथ्रोमाइसिन। और एक और इसको बोलते हैं, एक और एग्जाम्पल ले सकती हो, बैगिटीटा होता है, बैगिटोआ होता है, ठीक है ना, बैगिटोआ, ठीक है। और देखते हैं, एक सेकेंड, हो गया ना? यस मैम। तो ये तो हम लोग बैक्टीरिया के बारे में अब तक पढ़ रहे थे, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। क्या होता है आर्की बैक्टीरिया? ये मोनेरा के अंदर मैंने बताया था ना, बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया होते हैं। तुम्हारा मोनेरा क्या हो जाएगा? ट्रू बैक्टीरिया हो जाएगा ना, यू बैक्टीरिया हो जाएगा ना? यस मैम, है ना। और जो आर्की बैक्टीरिया कैसे फाइंड आउट हुआ था बेटा बताओ, तुमको हम ये स्टोरी बताए थे, नया हेडिंग डाल लो आर्की बैक्टीरिया, और इसको मैंने तुमको बताया था ना, वो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी में पढ़ाया था, इसी में स्टार्टिंग में बताया था ना, बैक्टीरिया मोनेरा का ही, अरे ये डोमेन होते हैं, फिर थ्री पार्ट होते हैं, हाँ इसी में बताया। यस मैम। हाँ तो वहां पे मैंने कुछ स्टोरी बताया था ना कि आर्की बैक्टीरिया कैसे, यहाँ पे मैं लिखाऊंगी नहीं, सिर्फ बताऊंगी उसके बाद, क्योंकि एक बार आप लिख चुकी हैं। Yes. तो कैसे, एक जो साइंटिस्ट थे, कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब, तो बताया ही मोनेरा या माइकोटा ऐसे नहीं बताया था? Yes, ma'am. नाम दिया था, और फिर आगे जाके कुछ तो उन्होंने किया था कि जो क्वालिटी नहीं मिल रहा था किसी और से मिल रहा था, तो फिर उन्होंने किस बेसिस पे वो क्वालिटी फाइंड आउट किया था, तब उन्होंने नाम दिया था कि आर्की बैक्टीरिया भी होगा। आर्की मतलब क्या, पुराना, ओल्ड, ठीक है,
और जो बैक्टीरिया मींस हाँ तो क्या बताया था, किस बेसिस पे फाइंड आउट किया था, कुछ याद आ रहा है? मैम चलो 16 SR हाँ बिल्कुल, बेसिस में। आरएनए, उन्होंने इस बेसिस के सेगमेंट पे उन्होंने बताया कि अरे ये तो डिफरेंट क्वालिटी मिल रहा है, ये तो इससे मैच ही नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसको अलग एक कैटेगरी में डाल दिया, है ना? यस मैम। हाँ चलो, इतना तो तुमको याद है, मैं सोचे देखी याद है कि नहीं, और ये पाया कहाँ जाता है बेटा? मैम 60 RNA। sRNA, ऐसे सब यूनिट हो जाएगा। यस मैम। हाँ बताओ, हम इसलिए ना उन्होंने राइबोसोम। देखो कुछ भी कर रहे थे ये लोग, इन लोगों को ये नहीं लग रहा था कि ये एक्चुअली हम न्यूक्लियोटाइड पे मतलब वर्क हो रहा है, ठीक है, इनको तो बस लग रहा था कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ तो है जो चीज, तो उन्होंने इस सेगमेंट के बेस पे उन्होंने बताया कि ये डिफरेंस है जो कि इससे नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको हम अलग कैटेगरी में डालेंगे, है हाँ ना? तो अब बताओ, मैंने देखिए तुमको बताया था ना ये कहाँ पाया जाता है? अच्छा ये बताओ, इसको तुम हाई टेम्परेचर पे खोलाओगे तो ये मर जाएगा कि जिंदा रहेगा? हम जिंदा रहेगा। तब क्या यार, तुमको बताया नहीं था आर्क बैक्टीरिया जिसे ज्वालामुखी है, खोलता हुआ समुद्र या खोलता हुआ पानी, हाई टेम्परेचर पे कुछ भी कितना भी रेयर से रेयर कंडीशन में ये चला जाए, लेकिन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे इंडो इंडोस्पोर, क्या बताया था, इंडोस्पोर बताया था ना तुमको? जैसे हम बहुत सारे लेयर फॉर्म कर लेते हैं हाँ, उसी तरह ये जो अनफेवरेबल है, कंडीशन ऐसे तो नॉर्मल बैक्टीरिया में तो तुम उबालो तो मर जाएगा ना, में। यस है मैम। ना? इसको कितना भी उबाल लो, ये किस मतलब किस वजह से ये नहीं मरता है वो चीज हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? कुछ यस कुछ मैम। अंदाजा है तुमको किस वजह से नहीं मरता होगा? हाँ पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं, कुछ तो क्वालिटी होगा, जैसे कि इंडोस्पोर का बताया था, कुछ बताओ, लेयर डेवलप कर लेते हैं लेयर ना? फॉर्म कर लेते हैं। हाँ, तो वैसे ये भी इसके पास स्ट्रोंग सेल वॉल होता है, सेल वॉल की वजह से वो क्या होता है बताती हूँ, अगली बात फिर समझ में आएगा तुमको, ठीक है? तो ये बेटा थ्री टाइप के होते हैं, ये जो होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल तुम जितना मान लो आर्किबैक्टीरिया के बारे में लिख रही हो तो तुमको पता होना चाहिए ना कि इसके एग्जाम्पल क्या है, ये टाइप्स क्या है, तो अगर कहीं तुमको दिया आर्किबैक्टीरिया वहां पर लिखा मैथनो जीनस, ये क्या है तुम्हारा, आर्किबैक्टीरिया ही है ये, समझ यस रही मैम। हो? जो कि नाम से समझ में आ रहा, मैथनो मतलब क्या, मैथन प्रोड्यूस करता होगा, ठीक है? मैं अभी तीनों का टाइप्स बता दे रही हूँ, फिर तुमको क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, जो यूकेरिया, यूकेरिया के बारे में पता है कि नहीं? पता यस मैम। है जिसमें ना? प्रोटिस्टा होते हैं, प्लांटे एनिमल वो सब हाँ आते चलो हैं। याद है, याद है, याद है, ऐसे रिवीजन करते रहो, माइंड में रहना, है ना? ये तो भूल जाओगे, चलो ये तो अच्छी बात है, तो इन तीनों के बारे में मैं कंपेयर करूँ, पहले उसको कंपेयर कर लेते हैं फिर इसको कंपेयर कर लेते, ठीक है? तो ये मैथ्रोजन ये दलदली जगह पर पाया जाता है, मैथन जो होता है ना यस दलदल जो होता है, कहीं भी आप अगर फंस गए दब गए उसमें तो धंसते जाते हो, जानती हो ना दलदल, यस देखा है कि नहीं कभी टीवी वगैरह में, इंडिया टीवी में भी देखा है कि नहीं? में। नो मैम, ऐसे तो नहीं देखा है। नहीं देखा, टीवी में देखा होगा ना, दलदली जगह होता है, अगर सच में अगर आप उसमें जाओ तो वो आप उसमें ट्रैप होते जाओगे, धंसते जाओगे, धंसते जाओगे, ठीक है? वहां पे मैथ, वहां पे ही आपका क्या होता है, मैथन का प्रोडक्शन होता है वहां पे, मैथ ये आर्की बैक्टीरिया की वजह से ही ये वहां पे होता है, मैथ्रोजिनल आर्की बैक्टीरिया होता है,
दूसरा क्या होता है? थर्मो, नाम से ही बताओ क्या होगा, थर्मो एसिडो। गरम जगह होगा हाँ, पे। जहां टेम्परेचर हाई हो, ज्वालामुखी वगैरह जो बताया ना, यस सीलिए। मैम। अगर तुमको मान लो एग्जांपल या टाइप्स नहीं मालूम है, तो तुम इतना तुमको पता है एक्सट्रीम कंडीशन, यानी से बुरी कंडीशन में ये मतलब सरवाइव कर सकता है ना। तो थर्मो हाई टेम्परेचर से यस तुमको तो मैम। ये पहले ही याद हो जाएगा, ये नॉर्मली याद हो जाएगा। मैथन जो प्रोड्यूस करता है ये भी याद हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, है यस मैम हो ना। जाए। तीसरा लिखो, हेलोफील। ठीक, हेलोफीलस। ये क्या करता है बेटा कि तुम्हारा, जैसे मान लो ये ऐसे है, ठीक है, मान लो हेलोफीलस इसमें, ठीक है, तो इसमें मतलब पानी है ढेर सारा, तो ये इसके अंदर अब पानी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो ये बताओ ये फूलेगा कि नहीं फूलेगा। फूलेगा तो ब्रस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस मैम तो ये अपना हो बाहर जाएगा। की तरफ सब निकाल लेता है वाटर, ठीक है, H2O को, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो, क्योंकि ये जो है वाटर कैसा है, हाईली सेलाइन। मतलब क्या होता है सेलाइन, मतलब क्या, नमक का मात्रा ज्यादा है ज्यादा बेटा, ठीक है। यस मैम। ये पिचक जाता है, ब्रस्ट हो जाएगा, पिचक जाएगा, अपने अंदर का सब बाहर निकाल देगा वाटर, ठीक है। अब पढ़ोगे आगे आप, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, जानती हो कि नहीं इसके बारे में? यस मैम। हाइपर हाई हाँ, तो क्या होता है हाइपर में, क्या होता है? हाँ, वो ये हाइपो और हाइपर में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन हाइपो होता है, मतलब अंदर अंदर और बाहर जो कांस्टेंट होता है, और चलिए ठीक है। आइसो मतलब तो इक्वल हो गया, यस इसमें सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट होता है, और ये किससे बना रहता है, पेप्टाइड हो लाइक रहा सुनो, ये भी बैठ के स्टोरी सुन रहा है, बताओ ना। तो चलो ठीक है। हाँ, ये तो यूकेरिया, यूकेरिया में तुमको पता है ये बाकी सब है, क्या क्या प्लांट एनिमल उन्हें सब आएंगे ना इसमें। चलो, यस मैम तो सब। इसमें हम क्या लिखेंगे, ये स्यूडो, रुक जाओ, इसमें पेप्टाइडो ग्लाइकॉन, इसमें लिखेंगे स्यूडो पेप्टाइडो ग्लाइकेंस या स्यूडो और म्यूरिन। मैं लिखवा देती हूँ, लिख लो पहले, ठीक है। ये जो होते हैं मतलब पेप्टाइडो, ये पेप्टाइडो ग्लाइकन नहीं होते, इनकी जगह पे जो होता है वो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। क्या होता है, स्यूडो पेप्टाइड डो ग्लाइकेंस, या अब ये मत समझ लेना कि सेल वॉल जो है नहीं है, है बट वो किस चीज से है, मैं इसकी बात कर रही हूं बेटा, ये नहीं है, समझ में आया? मैम जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन मतलब उसकी जगह पे ये स्यूडो हाँ, पेप्टाइडोग्लाइकन ये है। इसलिए तो, ये इसका सेल वॉल ज्यादा स्ट्रोंग होता है बेटा, कितना भी खोला दो पानी में नहीं नहीं मरेगा। अब ये मत यस सोचना मैम। कि इसमें हम से ये PG अब्सेंट लिखे यानी सेल वॉल नहीं होगा, समझ रही हो ना। यस हाँ, मैम। वो होता क्या है, स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन बना रहता है, या स्यूडो म्यूरेन, ठीक है। और क्या होता है, प्लस एस लेयर भी होता है, एक एस लेयर, ठीक है। तो ये तो हो गया। हाँ, अब इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं, दूसरा लिखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मान लो यहां पर तो मैंने कहा नहीं लिख दिया, अब स्पेस ही नहीं है, फिर से आगे लिखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा वो किससे बना रहेगा बेटा, ये यूकैरियोट में लिपिड होता है, लिपिड यस मैम। होगा, और एक होता है बॉन्ड, इस्टर बॉन्ड बना रहता है इसमें, क्या
क्या होता है ईस्टर बॉन्ड उनमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चलो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो तुम्हारा होगा, देखो दो तरीके से होता है, देखो जैसे मान लो ये लिपिड हो गया इस तरह, हाँ बताया था ना इस तरह बनाया ना, यस मैम। देखो ये दोनों क्या होंगे बेटा, आपस में चिपके होंगे, रुको बताती हूँ। ये जो इसको हम कहते हैं ब्रांच बोलते हैं, क्यों ब्रांच बोलते हैं, क्योंकि ये बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। बीच में क्या है बेटा, ये चिपके हुए हैं, क्या है चिपका दिया ना मैंने, इसलिए ये देखने में कैसे लगते हैं बेटा, ये देखने में मोनोलेयर लगते हैं, क्या लगते हैं मोनोलेयर, एक ही लगेंगे ना, यस मैम मोनोलेयर लिपिड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपस में चिपक गए हैं, इसलिए हम इसको ब्रांच्ड बोल रहे हैं। इसमें जस्ट अपोजिट होगा, आपस में नहीं चिपकेंगे इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड नहीं होता है, क्या बोलेंगे अनब्रांच्ड, यू बैक्टीरिया से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। यस मैम, इस वजह से ब्रांच समझ में आइए, देख लेना फिगर कंपेयर कर लेना, तो लिख लो तुम रफ कि ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं, दोनों आपस में चिपके हुए हैं, ये टेल है, ये हेड है, ठीक है। यस मैम, हाँ तो ये आपस में चिपक गए तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा, ब्रांच्ड, क्या होगा ब्रांच्ड, ब्रांच्ड हो गया, ब्रांच्ड लिपिड हो गया। और क्या बोल सकती है, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर ईस्टर पाया जा रहा है ना, ईस्टर बाउंड, और तुम्हारे इसमें भी ईस्टर बाउंड पाया जाएगा, डिफरेंट तुम्हारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर इथर बाउंड पाया जाता है, क्यों, कौन सा बाउंड पाया जाता आता है क्वेश्चन में, क्या जाएगा यू बैक्टीरिया, अच्छा इसमें आर्की का ही ना मैंने कहा नहीं चल रहा है बेटा, ठीक है। इथर बाउंड, इन दोनों में ईस्टर ईस्टर, इसमें इथर, समझ में आया, हाँ। तो अब इसका देख लेते हैं थोड़ा, इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया जाए, है ना। तो मैंने इसमें तुमको बताया कि सॉरी क्या बताया, है ना, ये आपस में चिपके नहीं है, एक दूसरे से चिपके नहीं है, अलग अलग है, देख रही हो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिपिड बाय लेयर, क्या हो जाएगा लिपिड बाय लेयर, ठीक है। इन सब की क्वालिटी की वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग है, ये क्यों, ये इसलिए, ये इस तरह इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है बेटा, yes, इसके कंपेयर में। और ये तुम लिख लो कि लिपिड अनब्रांच होते हैं, किस वजह से होते पता ना, क्योंकि ये चिपके नहीं है, yes, ठीक है, लिपिड अनब्रांच्ड, फैटी एसिड लिख लो, ठीक है, फैटी एसिड, लिपिड जो है कई लिपिड मिलकर तुम्हारे क्या बनाएंगे, फैटी एसिड ही बनाएंगे ना, और फैटी एसिड को तोड़ोगे तो लिपिड बनेगा, होगा कि नहीं, यस मैम, जिस तरह प्रोटीन को तोड़ती हो तो तुम्हारा क्या बनता है, पेप्टाइड, पेप्टाइड फिर अमीनो एसिड होता है ना, यस मैम, अमीनो एसिड, और क्या हो जाएगा, और लिख लो लिपिड, इसमें कौन सा पाया जाता है, लिपिड एस्टर बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, एस्टर बॉन्ड, जैसे यहाँ पर एस्टर बॉन्ड है, ठीक है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा, मैम आगे समझ, पक्का, यस मैम, है ना, चलो ठीक है। तो अब थोड़ा इनमें प्रोटीन सिंथेसिस करवा देते हैं, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, लाइन खींच देती हूँ, ठीक है, क्या लिखा था यहाँ पे, यू लिखा था ना,
लिख लो ठीक है। Yes. क्या लिखते हैं प्रोटीन, अभी मैं प्रोटीन सिंथेसिस देखते हैं ठीक है। है ना, तो इसमें जो होता है वो तुम्हारा होता है मेथियोनिक होता है, क्या होता है, क्या होता है मेथियोनिक, मेथियोन सॉरी मेथियोन होता है ठीक है, मेथियोनिक बोलो या मेथियोन बोलो ठीक है, ये और ये दोनों मिलेंगे आपस में ठीक है। इसमें भी क्या होगा, कुछ कैरेक्टर तुम्हारा इससे मिलेगा, कुछ कैरेक्टर तुम्हारा इससे मिलेगा ठीक है, मैच कराओ ये भी होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, यू में क्या होता है, यू में तुम्हारा फॉर माई मैथियोनिन होता है ठीक है, फॉर में मैथियोनिन ओके। अब देखो ये तुमने सुना है कि नहीं, फोर्थ पॉइंट आप लिख लो, इंट्रॉन और एक्सट्रॉन के बारे में सुना है कि नहीं। नो मैम, इंट्रॉन एक्सॉन होता है, इसमें भी होगा इंट्रॉन भी होगा। देखो जब तुम ये जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगी ना, हाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होगा कि जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना तो उसमें ऐसे बना रहता है, ऐसे रहेगा, तो ये तुम्हारा क्या इंट्रॉन हो जाएगा, और ये भी क्या बीच बीच का तुम्हारा इंट्रॉन हो जाता है और एक्सॉन हो जाता है जो कि कोडिंग होता है, ये तुम्हारा जो कि नॉन कोडिंग होता है, ये तुम्हारा कोडिंग हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इंट्रॉन हो जाएगा ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको कट कर देते हैं, कट कर देते हैं क्योंकि हमको जिसकी जरूरत है, मान लो हमको इंट्रॉन की जरूरत है ना ठीक है, तो हम इंट्रॉन ये कट कर दिया, इंट्रॉन को हटा दिया, एक्सॉन की जरूरत नहीं तो एक्सॉन को हटा दिए ठीक है। तो ये इसमें इंट्रॉन तुम्हारा प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, और इसमें तुम्हारा क्या होगा इंट्रॉन नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है एक्सॉन है ठीक है। बस तुम अभी इतना ही जानो, बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना तो डिटेल में ठीक है। हाँ चलो, प्रोटीन फॉर्मेशन में मतलब तुमको होता है इंट्रॉन होता है एक्सॉन होता है ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा, ये इंट्रॉन हो गया, इंट्रॉन हो गया और इसमें होता ही नहीं है। सेकंड थिंग लिखते हैं एल फॉर्म और एक डी फॉर्म होता है, ये क्या होता है ये भी बता देती हूँ। इसमें फिफ्थ तुम लिखो, एक होता है एल फॉर्म अमीनो एसिड ठीक है, इसमें भी होता है एल फॉर्म, अभी बताते हैं एल फॉर्म अमीनो एसिड, और इसमें होता है, इसमें होता है तुम्हारा बेटा एल फॉर्म, पहले एल बनता है फिर वो तब वो डी फॉर्म में कन्वर्ट होता है ठीक है। एल फॉर्म या डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, ऑफ अमीनो एसिड यहाँ पे ऑफ लिख लो ठीक है। होता क्या एल से, जैसे अब मैं तुमको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, एल से मान लो एल को हम बोलते हैं लिवोरोटेटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल को, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख, क्या बोलते हैं लिवोरोटेटरी, सिवा लिवोरेटरी बोलते हैं, और ये भी लिवोरेटरी होगा। डी को क्या बोलते हैं बेटा, डी को बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब ये होता क्या है ये भी एग्जांपल देके मैं बता देती हूँ। देखो होता क्या है कि तुम्हारा सपोज मान लो कोई भी अमीनो एसिड है ठीक है, समझ रही हो, मान लो मैं सिर्फ रफ बता रही हूँ बेटा यहाँ पे, ये तो बस तुमको मैंने ये बता दी, इसमें एल फॉर्म पाया जाता है, इसमें एल फॉर्म पाया जाता है, इसमें एल एंड डी, रफ की बात मैंने एल से बता दी, उसको लिवोरोटेटरी बोलते हैं, डी को डेक्सोरोटेटरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मान लो कोई एल ये अमीनो एसिड एलेनिन है तुम्हारा ठीक है, बस मैं रफ बता रही हूँ ठीक है समझाने के लिए बेटा। हाँ तो ये मैं इस चीज को एल फॉर्म और डी फॉर्म को समझाने के लिए बता रही हूँ।
तो मान लो तुम्हारा, मान लो अगर एलिलिन की बात करें तो ये मान लो एलिलिन का मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा NH2 हो गया और यहाँ पे तुम्हारा H हो गया, ठीक। और ये तुम्हारा क्या हो गया, CH3 या CH3 लिखो या H3C लिखो, ठीक है। तो ये जो इस साइड बना है, ये किधर बना, राइट बना ना, ये है ना ओके बेटा। तो इसको जस्ट हम उल्टा कर देंगे, इधर बना देंगे, ये तुम्हारा एल फॉर्म हो गया, ठीक। सॉरी, ये तुम्हारा एल फॉर्म नहीं है बेटा, ये तुम्हारा ये डेक्सट्रो ट्री है, मेरा डी है, ठीक है, डी हो गया। जो इस साइड रहेगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, राइट जो है वह, ठीक है। और इसको जस्ट आप तुम इधर उठा के रख दो, मतलब मिरर होता है ना, मिरर, मिरर में देखोगे तो उल्टा दिखेगा कि नहीं, हाँ? समझ में आया। मान लो एल फॉर्म करना है हमको, तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जस्ट ऐसे दिखेगा कि नहीं, यस मैम। इधर CH3 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये लिवो रोटेटरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीवो दो रोटेटरी। थ्री समझ में आया ना, मतलब जस्ट तुम इतना मत दिमाग लगाओ, बस तुम इतना समझ जाओ कि एक दूसरे का अपोजिट है, मिरर में डालते हैं तो यस मैम। जस्ट उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो बस इतना ही माइंड में रखो कि एल फॉर्म होता है, डी फॉर्म होता है, और फुल नाम जान लो, ठीक यस मैम। है ना। मतलब तुम्हारा ये कह यस मैम। सकती हो कि जो रोटेशन है, प्लेन रोटेशन उसका जो हो रहा है, तुम राइट साइड है समझ जाओ, राइट साइड है और लेफ्ट साइड, इस तरह कंप्राइज कर लो, ठीक है। अगर लीवो है तो लीवो तुम्हारा किसको शो कर रहा है बेटा, लेफ्ट साइड को शो कर रहा है, शो कर रहा है ना लेफ्ट साइड को, यस मैम। लीवो जो है वो लेफ्ट साइड को शो कर रहा है, यहाँ पे आ गया ना, ये लेफ्ट हो जाएगा, तुम इधर लिख लो, लीवो तुम्हारा किसको शो कर रहा है, लेफ्ट को, और डी किसको शो कर रहा है, राइट को। राइट को। समझ में आ गया, यस मैम। मतलब मिरर के जस्ट उल्टा है, ठीक है। अब देखो कहाँ पे हम थे, अल्फा हम कर रहे थे ना, हाँ। तो ये तुम्हारा हो गया, अब लिखते हैं, चलो अब ये लिख लेते हैं कि इसका जो सेल वॉल होता है, मैं इसका बता रही हूँ, आर्किबैक्टीरिया का, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, ये तो रफ मैंने समझाया, इधर लिख लेना, किसके बारे में बता रही हूँ, आर्किबैक्टीरिया। यहाँ पे सपोज मान लो इसी का लाइन खींच लो आगे, इसका जो तुम्हारा सेल वॉल है क्या है, दी सेल वॉल, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने बताया था ना सेल वॉल होगा, पीजी एब्सेंट लिखा मतलब ये नहीं कि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल क्या है बट उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं है, उसकी जगह पे ये दोनों पाया जा रहा है, इसकी वजह से ये बहुत सरवाइव कर रहा है, ठीक है, समझ में यस मैम। आया, हाँ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेल वॉल स्ट्रक्चर, ड्यू टू मतलब सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है, जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर या मतलब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में ये सरवाइव करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर, अब अगर क्वेश्चन आ गया तो आप सेल वॉल लगाओगी, सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया, है ना, कि बैक्टीरिया इज डिफरेंट, इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से डिफरेंट है कि नहीं, हाँ। यस मैम। एंड दिस, क्योंकि बैक्टीरिया तो नॉर्मली तुम ऐसे उबालोगे तो मर जाएगा वो, प्रोवाइड्स, इंटरनेट कहाँ जा रही है, मिस्टेक, ठीक है, प्रोवाइड्स देम, देम एक सेकेंड, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है बेटा, प्रोवाइड देन स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टे
स्टेबिलिटी ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इसी की वजह से, ठीक, स्टेबिलिटी टू क्या करता है, सर्वाइव सर्वाइव इन हार्स कंडीशन, समझ में आया? यस मैम। चलो इतना तो समझ में आ गया तुमको, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं ना बेटा एम आई, तुम इसको मतलब समझने के लिए एम आई एल, एम आई एल मतलब क्या होगा, एम से मेथियोनिन, आई से इंट्रॉन, एल से एल्फॉम, इसको अगर मतलब समझना हो तो ट्रिक समझ सकती हो, क्या सकती हो, एम आई एल मतलब मदर इन लॉ, क्या होगा मदर इन लॉ मतलब सासू माँ, ठीक है, एम से क्या हो जाएगा मेथियोनिन, आई से इंट्रॉन, एल से क्या हो जाएगा, याद करने के लिए सही तरीका है ना एल्फॉम, एल्फॉम अमीनो एसिड, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, अब इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, ये तो हो गया, अब ये जो तीन है कौन तीन है, ये जो तीन मैंने बताया था, अब इन तीनों के बारे में मैं कल वो क्या मंडे को ही पढ़ना है कि ट्यूसडे को पढ़ना है बताओ, मैम जैसे बोले आप। हाँ क्योंकि उनके टाइम से हमको नहीं मैच करना, उनको तो अगर मंडे बोलो तो ट्यूसडे कहेंगे, ट्यूसडे बोलो तो मंडे कहेंगे, फिर कुछ दिन में उनका टाइम वो गड़बड़ होगा, तो जैसे मान लो उनका 6:30 से चालू होता है ना, तो हम ऐसे 5 बजे का रखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, 5 से 6 रहेगा, ठीक है, ओके मैम, रहेगा ना, अभी तो 2 दिन ही रखे हैं, अभी 2 ही दिन रखे हैं, हाँ मंडे और ट्यूसडे, उनको कहीं बाहर जाए तो, आज संडे को भी क्लास है फिजिक्स की और नेक्स्ट संडे को भी क्लास रहेगी, ऐसे बोल रहे थे तो भी क्लास, रेगुलर नहीं ले रहे हैं क्या, सिर्फ 2 ही दिन बोले, हाँ बस 2 ही दिन अभी, कहीं उनको बोले कि उनको आउट ऑफ स्टेट कहीं जाना है, चलो कोई नहीं, शादी वादी फंक्शन है इसीलिए, अच्छा अच्छा नहीं अभी तो कोई वो हुआ था ना, लेट हुआ था ना किसी का, हाँ बोलते रहते और अभी फंक्शन जा बोल रहे, अच्छा अच्छा कोई नहीं, चलो ठीक है, हाँ तो हम ये ट्यूसडे को कर लेते हैं 5 बजे, ठीक है, ओके मैम, ठीक है, क्योंकि अभी 2 दिन लगातार हो गया ना, कल छोड़कर परसों कर लेते हैं, 5 बजे ही करेंगे, क्योंकि मान लो उनके टाइम से मैच नहीं होगा ना, चाहे वो मंडे लें चाहे ट्यूसडे लें, क्या करना है हमको, है ना, ओके मैम, हाँ तो मंडे ट्यूसडे को ले लेंगे 5 बजे, ठीक, तो आगे मैं आप ये इन तीनों के बारे में डिफरेंस बताऊंगी, किसके बारे में बेटा, ये जो तीनों है, ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है, रिवीजन जरूर करना, ठीक है, चलो ओके बाय, यस मैम, बाय मैम, थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम मैम, वो इक्वल
यू सॉरी यू बेट यू कैरियोट्स ठीक है. दूसरा लिख लो अर्की. अर्की मतलब समझ रहे ना ओल्ड. आर्की बैक्टीरिया मतलब मेनली हमको आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है लेकिन हम कंपेयर कर दे रहे हैं ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए कि हाँ किसमें कौन सी क्वालिटी पाई जाती है. ठीक है yes, और एंजॉय कर रही हो कि नहीं मैम? कहाँ बहुत बारिश हो रही है यहाँ तो. वहाँ भी बारिश हो रही है? यस मैम बहुत ज्यादा. तुम लोग एंजॉय करने आए और घर में बैठी रहो. दिमाग खराब एक तो. संडे भी खराब. कहीं नहीं जा. सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है उसके अलावा कुछ है ही नहीं. हाँ आज जाने को तो था संडे को लेकिन फिर घर से मामा आ गए तो उनको नहीं बताया था हमने कि हम आ रहे हैं ना तो वो भी सरप्राइज हो गए थे तो मजे ले रहे थे. कितने मामा हैं तुम्हारे? दो ट्विंस है. ट्विन है? यस मैम. सही है यार एक तो एक जैसे लगते हो देखते हो दिखते हैं लोग. यस मैम. एक जैसे दिखते हैं लोग? नहीं मैम बचपन में दिखते थे अब नहीं दिखते हैं. तो यानी कि आप अब देखो ट्विन क्या होता है? ट्विन और आइडेंटिकल मींस क्या होता है पता है कि नहीं? नहीं पता है. ट्विन रुको तुमको ये बताया तो था यार मैंने बताया था कि नहीं बताया था?